मुंह फाड़ कर देखता रह गया चीन, एक ही झटके में भारत ने बदल दिया सीन। चीन की धरती थी, भारत के प्लेयर थे, चीन बस हाथ मलता रह गया। मिट्टी चीन की, टूर्नामेंट चीन का और जल भी चीन की ही रही थी। यकीन मानिए, क्रिकेट देखना भूल जाएंगे जब सुनेंगे असली कहानी। गांव से निकले गुमनाम खिलाड़ियों ने चीन की धरती पर ऐसा काटा गदर, तालियां बजाने को मजबूर हो गए दुनिया के धुरंधर। आंखें खुली की खुली रह गईं जब एक ही दिन में भारतीय एथलीट ने लगा दी मेडल्स की लाइन। बन गया नया कीर्तिमान, भारतीय खिलाड़ियों ने ऊंची कर दी तिरंगे की शान। एक ही दिन में पाकिस्तान भारत से 3 बार हारा, चीन भी देखता रह गया बेचारा। भारत ने एशियाई गेम्स 2023 में नायाब इतिहास रच दिया, एक ही दिन में 15 बार तिरंगा लहराया। इधर पूरा देश वर्ल्ड कप का इंतजार करता रह गया, उधर एक ही दिन में भारत के छोटे छोटे गांव से आए खिलाड़ियों ने दुनिया में नाम रोशन कर दिया। कोई विराट कोहली नहीं था, ना ही किसी के पास रोहित शर्मा जैसा पैसा था। हमारा दावा है देश के 99% लोग तो इनके जीतने की खबर भी जानते नहीं होंगे, नाम तो छोड़ ही दीजिए। आइए जरा डिटेल में जानते हैं कि आखिरकार ऐसा माजरा क्या हुआ कि चीन की धरती पर सिर्फ वंदे मातरम ही बजने लगा। एक तरफ 5 तारीख से वनडे वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है, सभी की निगाहें वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर है, हर कोई चाहता है कि इस बार वर्ल्ड कप भारत ही जीते। इसी बीच दूसरी तरफ एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है, भारतीय खिलाड़ियों ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसको लेकर देश भर में जमकर तारीफ हो रही है। खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स 2023 में अपना जबरदस्त जलवा बिखेरा है। 8वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 15 मेडल जीते। चीन की धरती पर एक ही दिन में 1 बार नहीं 15 बार शान से तिरंगा लहराया और चीन देखता रह गया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से देशवासियों का सीना गर्व से 56 इंच का हो गया। भारत ने एक दिन में 15 मेडल जीते जिसमें 3 गोल्ड 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर नायाब इतिहास रच डाला। भारत एशियन गेम्स के इतिहास में पहली दफा एक दिन में इतने मेडल जीत पाया है। भारत ने गोल्फ, शूटिंग, बैडमिंटन और एथलेटिक्स में धमाल मचाया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुशी से झूम उठे। पीएम ने ट्वीट कर सभी खिलाड़ियों पर खूब सारा प्यार लुटाया और बधाइयां दी। सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों को बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। एक दिन में 15 मेडल जीतकर भारत ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन से देश भर में खुशी की लहर है। इसी के साथ भारत ने अपना ही 13 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। वही मेडल टैली में भारत लंबी छलांग लगाते हुए 4थे नंबर पर पहुंच गया है। इंडिया का मेडल टैली में अर्धशतक पूरा हो गया है। भारत से आगे सिर्फ जापान, कोरिया, गणतंत्र और चीन है। एशियन गेम्स के 8वें दिन भारत की झोली में 3 गोल्ड मेडल 7 रजत पदक और 5 कांस्य पदक आए। इससे पहले साल 2010 में चीन के ग्वांगझू में हुए एशियन गेम्स के 14वें दिन भारत ने 11 पदक जीते थे। इसके अलावा 2014 में इंचियोन एशियाई खेलों में भारत ने 8वें दिन 10 पदक जीते थे। साल 2018 में जकार्ता एशियन गेम्स के 10वें दिन 9 पदक जीते थे। 13 गोल्ड, 21 रजत और 19 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत के कुल अब 53 पदक हो गए हैं। एशियन गेम्स के 8वें दिन निशानेबाजी में पुरुषों की ट्रैप टीम किनान चेनाई, जोरावर सिंह और पृथ्वीराज टोंडीमान ने गोल्ड मेडल जीता। पुरुषों के 3000 मीटर स्लीपर चेस कॉन्टेस्ट में अविनाश साबले ने 1 स्वर्ण पदक जीता। शॉटपुट में तजिंदर पाल सिंह तूर ने लगातार दूसरे एशियाई खेलों में 1 स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम फाइनल में चीन से हार गई और रजत पदक से संतोष करना पड़ा। एथलीट ज्योति याराजी ने 100 मीटर हर्डल रेस में सिल्वर मेडल जीता। महिला गोल्फ में अदिति अशोक ने रजत पदक में नाम किया। पुरुष लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने सिल्वर मेडल जीता। पुरुषों के 1500 मीटर दौड़ में अजय कुमार सरोज ने रजत पदक जीता। जिनसॉन जॉनसन को ब्रॉन्ज पदक मिला। महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में भारत को हरमिलन बैंस ने रजत पदक जिताया। शूटिंग महिला ट्रैप में मनीषा कीर, राजेश्वरी कुमारी और प्रीति रजक ने सिल्वर मेडल जीता। ब्रॉन्ज मेडल मुक्केबाजी में महिलाओं के 50 किलोग्राम कैटेगरी में निखत सरीन सेमीफाइनल में हार गईं और उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। पुरुषों की ट्रैप शूटिंग स्पर्धा में किनान चेनाई ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 800 मीटर हेप्टाथलॉन में नंदिनी अगासारा ने कांस्य पदक जीता। डिस्कस थ्रो में भारत के सीमा पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मेडल टैली में चीन 244 मेडलों के साथ टॉप पर है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया 125 पदकों के साथ दूसरे नंबर पर है और जापान 112 पदकों के साथ तीसरे नंबर पर है। भारत के बाद 5वें नंबर पर 40 पदकों के साथ उज्बेकिस्तान है। हर तरफ भारत का ही जलवा है। सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं बल्कि अब हर खेल में हमारे खिलाड़ी सबसे अव्वल है।